हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज श्रुति और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इससे पहले एक वीडियो में मैंने आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताया था क्या होता है, क्या उसके फीचर्स होते हैं, मतलब बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। अब आज हम देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स अगर हम स्टार्ट करें, उससे पहले आप लोग ये देख लीजिएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली जो वीडियो मैंने डाली है आपको क्लियर होना चाहिए उसका मीनिंग, तभी आप आगे ये समझ पाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। यहाँ पे शेयर होल्डर्स आप लोग जानते हैं कौन होते हैं, जो शेयर्स परचेज करते हैं। अब कोई कंपनी है, मान लीजिए उसमें दो तरीके के शेयर्स मतलब सेल किए जा रहे हैं। कौन कौन से? इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, ये दो तरीके के शेयर्स वहाँ पर इशू किए जा रहे हैं। तो अब इन दो शेयर्स को खरीदने वाला कौन, क्या कहलाएगा? इक्विटी शेयर्स को खरीदने वाला कहलाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स, और प्रेफरेंस शेयर्स को खरीदने वाला क्या कहलाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। यानी ये प्रेफरेंस शेयर को होल्ड कर रहा है और ये इक्विटी शेयर्स को होल्ड कर रहा है। क्लियर है इतना? कौन होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स और कौन होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आपको पता है, अब आपको ये भी पता चल गया कि इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन कौन से होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट में बोला है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। वो शेयर होल्डर्स जिन्होंने इक्विटी शेयर्स को अपने पास रखा हुआ है, परचेज किया हुआ है, उनके वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, उनकी वेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, ये किसका फंक्शन है, किसका ऑब्जेक्टिव है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। क्लियर हुई पहली बात, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो अगर आपसे पूछा जाए मेन ऑब्जेक्टिव, सिर्फ इतना भी आ जाता है कई बार एग्जाम्स में, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो आपको ये फर्स्ट पॉइंट लिखना है। इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपको अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक कॉमर्स से रिलेटेड, तो उसमें आपको चार ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से आपको इसी पर टिक लगाकर आना है, क्योंकि ये मेन ऑब्जेक्टिव है और बाकी जो है वो क्या है, थोड़े अदर ऑब्जेक्टिव्स हो गए। सेकंड होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ, आप लोग हैं या मैं हूँ या कोई भी है, किसी कोई भी कुछ भी बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो बिजनेस किस पर्पज़ से कर रहा है? ऐसे तो नहीं कर रहा ना कि बस अपना टाइम पास करना है पूरे दिन का, कि चलो सुबह गए शाम को आ गए हो गया बिजनेस, ऐसा तो नहीं होता। प्रॉफिट कमाना चाहता है वो भी, कुछ अपनी लाइफ में कमाई करके आगे कुछ करना चाहता है वो बिजनेसमैन भी। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ये भी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। कैसे? अब अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में वो क्या कमाएगा? प्रॉफिट कमाएगा। अब प्रॉफिट किस फॉर्म में आएगा? फाइनेंस के फॉर्म में आएगा, मनी के फॉर्म में आएगा। अब उस मनी को भी तो मैनेज करना पड़ेगा, करोगे कि नहीं करोगे? अगर आपका कोई बिजनेस है, कल को आपको कोई बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, आपके पास 10 करोड़ रुपए आ जाते हैं, उसको मैनेज करोगे नहीं करोगे, ऐसे फेंक दोगे जाके? नहीं ना, तो मैनेज तो करना पड़ेगा फाइनेंस को, तो वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसके ऑब्जेक्टिव में सेकेंड चीज़ आती है आपकी क्या, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ओके, थर्ड वन इज मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? जब हम कोई भी शेयर्स या कोई भी सिक्योरिटी को कैश में कन्वर्ट कराते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज लिक्विडिटी। मतलब आपके पास कोई भी सिक्योरिटी है, या आप शेयर बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास शेयर्स हैं, उन शेयर्स को अगर आप किसी भी टाइम कैश में कन्वर्ट करा लेते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। यानी लिक्विडिटी मतलब कैश में कन्वर्ट हो चुकी है वो चीज़, अब आपके पास ढेर सारा कैश है। तो मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी यानी कि कैश को, लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब आपके पास बहुत सारा फाइनेंस है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप उसको मैनेज कर रहे हैं, तो क्या होगा? आप फंड्स को यूटिलाइज करके भी तो उसको मैनेज करोगे। आपके पास बहुत सारे फंड्स आ रहे हैं, इधर उधर से इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, तो क्या करोगे आप? उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करोगे ना उसका। ऐसे ही तो नहीं है ना कि कहीं पर भी पैसे इन्वेस्ट कर दिए, कहीं भी यूटिलाइज कर दिए। हर चीज़ बिजनेस के अंदर सोच समझ कर होनी चाहिए। एक छोटा सा छोटा इन्वेस्टमेंट भी बहुत सोच समझ के होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको फोर्थ पॉइंट में बताया है। फिफ्थ पॉइंट एंड द लास्ट वन इज मीटिंग्स ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विद क्रेडिटर्स। अब बिजनेस के कुछ क्रेडिटर्स भी होते हैं और क्रेडिटर्स के साथ लेन देन तो चलता रहता है,
चलता रहता है, अपने अकाउंट्स में पढ़ा है क्रेडिटर्स के बारे में। तो अब अगर क्रेडिटर्स के साथ कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं कि भाई मैं इतने पैसे देने हैं या इतने पैसे लेने हैं, कुछ कमिटमेंट्स हैं, तो उसके लिए भी मीटिंग करनी पड़ेगी। उसको देने के लिए भी क्या होगा, फाइनेंस को मैनेज तो करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि क्रेडिटर है तो आप उससे 100-200 रुपए का लेन देन करोगे, ऐसा तो नहीं होता। हजारों में, लाखों में और करोड़ों रुपयों में करते हो, बिजनेस में तो ऐसा ही होता है ना। तो उसके लिए भी फाइनेंस की मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है कि आप फाइनेंस को कैसे मैनेज करेंगे। तो ये है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। और बात अगर की जाए इम्पॉर्टेंट या फिर मेन ऑब्जेक्टिव की, तो वो आपका आता है फर्स्ट पॉइंट, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये लाइन रट लो, अभी रट लो इसको, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। अगर आप PGT या TGT कॉमर्स के एग्जाम्स के बारे में देखें तो कई बार ही पूछा जाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव बताओ। चार ऑब्जेक्टिव्स ही होंगे, हो सकता है इनमें से भी पॉइंट्स हो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये भी था, ये भी था, ये भी था। वहाँ पूछा है मेन ऑब्जेक्टिव, तो कौन सा लगाओगे, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ से बन गया आपका एक क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको आगे तैयारी करनी है जो भी आप करना चाह रहे हैं। क्लियर है आपको ये टॉपिक? कोई भी डाउट हो पूछ लेना मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और कोई भी आपकी एक्सटर्नल क्वेरीज होती हैं तो अबाउट सेक्शन में जाके देख लेना, मेरी ईमेल आईडी दी हुई है, वहाँ पर भी मेल कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो तो। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।